हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कुक विद फन। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आज मैं आपके लिए कांदा पोहा बनाने जा रही हूँ। कांदा पोहे के लिए मैंने क्या क्या लिया है देखिए, मैंने इधर पोहे ले लिए हैं, कांदा या प्याज लिया है, दो हरी मिर्च ले लिया है, हाफ लेमन लिया है, नमक, हल्दी, जीरा, सरसों, चीनी, बादाम। अब देखते हैं मैं कैसे बनाती हूँ। फ्रेंड्स, हमने जो बादाम लिया है उसे फ्राई कर लेंगे थोड़ा। मैं गैस ऑन कर रही हूँ, उसमें थोड़ा तेल डाल दूँगी। कढ़ाई में मैंने एक स्पून ऑयल का डाल दिया है, अभी मैं इसमें बादाम डाल दूँगी। बादाम को थोड़ा फ्राई कर लूँगी। फ्राई कर लेंगे इसे। देखिए बादाम हमारा फ्राई हो गया है, मैं इसको भी निकाल लूंगी। बादाम इसे सारे बादाम निकाल लेंगे। हमने बादाम को निकाल लिया है, जो तेल बचा है उसमें ही मैं अभी जीरा डाल दूंगी। सरसों डाल दूंगी। इसमें मैं हरी मिर्च डाल दूंगी। अभी हम प्याज को भी डाल देंगे। देखिए मैंने प्याज डाल दिया। प्याज को हम अच्छे से फ्राई करेंगे। देखिए देखिए प्याज हमारा भून गया है। मैं अभी इसमें थोड़ा सा चीनी डालूंगी। चीनी ऑप्शनल है, पर चीनी डालने से इसका स्वाद थोड़ा बढ़ जाता है। तो फ्राई कर लेंगे फिर से। इसको अच्छे से एक से दो मिनट के लिए भून लूंगी। इसमें अभी बादाम डाल दूंगी, मैंने जो भून के रखा था। इसमें नमक, हल्दी पाउडर, डाल के फिर से थोड़ा भून लूंगी। अभी मैं इसमें मैंने जो पोहे रखे थे उसको धो लिए हैं, पोहे को डाल दूंगी। को डाल दिया, इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ऐसे देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है। अभी फ्लेम को ऑफ कर लेंगे। फिर इसके ऊपर मैंने जो आधा लींबू लिया था इसको निचोड़ लूंगी। गैस ऑफ करने के बाद ही हम लींबू को डालेंगे। तरह मिला देंगे। अभी इसको हम सर्व कर लेंगे। देखिए मैंने इसको सर्व कर लिया है। आप इसको बनाइए, टेस्ट कीजिए और मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए आपको कैसा लगा। प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।